प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। पिछले हफ्ते हमने निर्गमन 20वें अध्याय के 13वें पद को देखा था, जहां लिखा है तो खून न करना। निर्गमन में 20वें अध्याय में जो 10 आज्ञाएं दी हैं, उनमें सबसे छोटी 3 आज्ञाएं 13, 14, 15 में है, तो खून न करना, तू व्यभिचार न करना और तू चोरी ना करना। ये आज्ञाएं इतने ब्रीफ में दी हैं, इसके कारण कई बार हमको ऐसा लगता है कि इन आज्ञाओं में कुछ ज्यादा माल मसाला नहीं है, इसलिए शायद इनको इतने ब्रीफ में पवित्र आत्मा ने दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये तीनों आज्ञाएं अपने आप में, उनमें इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि जितना अध्ययन करें विषय समाप्त नहीं होता है। लास्ट हफ्ते जितने लोग सुन रहे थे उनको लगा कि निर्गमन 20 का 13 तू खून न करना एक घंटे में खत्म हो गया। क्लोजिंग में मैंने ये बात याद दिलाई थी कि अभी कम से कम एक घंटा और लेना पड़ेगा, जिसका एक विशेष कारण है। ना केवल इस आज्ञा के बारे में, बल्कि बाइबल में कोई भी विषय अपन पढ़ते हैं तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि पहली बार जब कोई आज्ञा दी जाती है तो अक्सर उसको प्रभु का वचन बहुत ब्रीफ में देता है, और बाद में उसी से संबंधित अन्य पदों को जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है कि बहुत ही ब्रीफ ह्रस्व तरीके से जो आज्ञा दी गई थी उससे संबंधित कितनी सारी बातें प्रभु के वचन में मिलती हैं, जिसका मतलब यह है कि तू खून ना करना 4 शब्द, या तू हत्या ना करना 4 शब्द में जो बातें दी हुई हैं उसका मतलब तो बहुत ज्यादा है। इस कारण आज हम निर्गमन 2 अध्याय के 13 में आगे बढ़ेंगे, और मेरा अनुरोध है प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, अपनी बाइबल अपने साथ रखें, खोलकर देखते चले जाएं, क्योंकि आज मैं और काफी सारे पद आपके सामने प्रभु के वचन से पढ़कर सुनाऊंगा। तो जब मैं पढ़कर सुना रहा हूं तो ये देखते चले, जिस तरह से हम चर्च में बैठकर प्रभु का वचन खोलते हैं उसी तरह से मैं जब आपको पढ़ के सुनाऊं, मैं रेफरेंस देने के बाद वेट करूंगा, जिस तरह से चर्च में वेट करते हैं जिससे कि आप उसको खोल सके, जिससे कि आप उस हिस्से को निकाल सके। उसके बाद जब मैं पढ़ता जाऊं तब आप भी उसको पढ़ते चले जाइए अपनी अपनी बाइबल में, जिससे कि जैसे चर्च में बैठकर हम संदेश सुनते हैं तो पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा हमसे बात कर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोग आज उपस्थित हैं सभी लोग अपनी डायरी साथ लाए होंगे और पेन भी साथ लाए होंगे, क्योंकि प्रभु से जो प्रकाश मिलता है वो जैसे ही मिलता है उसको हम नोट नहीं करेंगे तो एक घंटे के बाद उसको याद करना मुश्किल हो जाता है, और मेरी गारंटी है कि एक दिन के बाद उसमें से 99% आप याद नहीं कर सकते हैं, आपको याद नहीं आएगा। मैं एक लेखक हूं और मैं गारंटी से आपको बताना चाहता हूं कि ये बात सत्य है, क्योंकि एक लेखक जहां भी देखता है वहां उसको लिखने के विषय दिखते हैं। आप सड़क जा रहे हैं और यदि सड़क पर मान लीजिए आपको पत्थर से ठेस लगी तो इवन पत्थर से ठेस लगने को एक लेखक पत्थर से ठेस लगने के रूप में नहीं
उसके विशाल रूप को देखता है कि यदि सड़क पर पड़ा हुआ एक पत्थर ठेस के कारण मुझे गिरने को उतारू करता है, मुझे चोट पहुंचाता है, तो प्रभु की संतान मैं अपने जीवन में दूसरे के लिए ठेस का कारण ना बनू। बस हो गया एक छोटे से लेख का विषय। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह के सैकड़ों विषय प्रतिदिन मन में आते हैं, लेकिन यदि मैं उसको नोट ना करूं तो अक्सर सारे के सारे विषय बहुत जल्दी भूल जाता हूं। इस मैं तो डायरी रखता हूं साथ में, और लोगों को कई बार विचित्र लगता है कि शादी की पार्टी में बैठे हुए हैं और ये सज्जन डायरी में लिखे जा रहे हैं, इनका दिमाग जरूर खराब है। वाकई में खराब है। प्रभु यीशु के एक सच्चे शिष्य के रूप में हम काम करेंगे तो कम से कम कभी कभी तो लोग कहेंगे कि जरूर ये पागल हो गया है। पौलुस से भी कहा गया था कि तुम पागल हो गए हो। तो डायरी की आदत जरूर डाल ले। इवन एक लेखक जो उसको याद रखना चाहिए वो भूल जाता है, औसत व्यक्ति बहुत जल्दी भूल जाता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। निर्गमन के 20वें अध्याय के 13वें पद में हम देखते हैं तू खून न करना। इसके बारे में जब हम प्रभु के वचन को व्यापक तौर से पढ़ते हैं तो इस विषय का बहुत अधिक विस्तार मिलता है, जिसमें से एक मैंने कुछ बातें आपको पिछले हफ्ते बताई थी कि किस तरह से हमारी वाणी, हमारी बोली वो इतनी शक्तिशाली होती है कि दूसरे का खून कर सकती है, करती है। सही शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य के जीभ में वो जहर है जो सामान्य जहर से भी ज्यादा असर करता है। इस कारण हम में से हर व्यक्ति इस बात पर विशेष ध्यान दे कि जब प्रभु के वचन में ये कहा गया है कि तुम हत्या न करना, तो इवन जीभ से हत्या की जा सकती है, की जाती है। प्रभु ना करे कि हमारे जीवन में इस तरह की कोई लापरवाही आ जाए। अच्छा, अब सवाल यह है कि यह आज्ञा परमेश्वर ने क्यों दी है तुम खून न करना। लास्ट हफ्ते मेरा जोर इस बात पर था कि खून न करना सुनते हैं तो ऐसा ना समझे कि हाँ मैंने तो कभी बंदूक हाथ में नहीं लिया, तलवार हाथ में नहीं ली, और इसलिए ये आज्ञा मेरे ऊपर प्रभावी नहीं है या मुझ पर लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है। याकूब की पत्री खोलकर देख लीजिए, जीभ बड़ी आग है, उसके द्वारा कितनी हत्याएं होती हैं, इस बात को हम कभी ना भूलें। तो क्यों, अब अगला सवाल है कि खून ना करना ये आज्ञा क्यों दी गई है। इसका उत्तर प्रभु के वचन में कई जगह मिलता है, लेकिन उसमें सबसे पहला है उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय के 6वें पद में। उत्पत्ति 9:6, जेनेसिस 9:6। जरा देख लीजिए कि मैं जो पढ़ रहा हूं ये सही सही पढ़ रहा हूं क्या। उत्पत्ति 9:6 में हम देखते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि आप में से कई लोगों के माइक बीच बीच में ऑन हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखें कि कहीं आपके घर की बात हम ना सुन पाए। उत्पत्ति 9:6 में हम देखते हैं, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा। ये न्याय और कानून के बारे में है। हम जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति का खून करता है तो उस पर बाकायदा केस चलता है और उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। इन दिनों मृत्यु दंड के विरुद्ध बहुत आंदोलन चल रहा है, इसलिए उसको आजीवन कारावास दिया जाता है। और मृत्यु दंड के विरुद्ध जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वे अब ये मांग भी कर रहे हैं कि जेलें बंद कर दी जाएं, पुलिस को डिसमिस कर दिया जाए। इस देश में ना तो जेल हो ना पुलिस हो। जिस देश में ना जेल होगा ना पुलिस होगी, उन लोगों का दावा है कि वहां पर आजादी ही आजादी होगी, लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जिस देश में ना पुलिस होगी
ना कानून होगा, वहां पर अराजकत्व राज्य करेगा। ये लोग इस देश में अराजकत्व लाना चाहते हैं। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि सजा जरूरी है। यदि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करता है तो मनुष्य के द्वारा ही उसका लहू बहाया जाएगा। मतलब मनुष्य ने जो कोर्ट सिस्टम बनाया है वो कानून उसको मृत्यु दंड देगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। हम अक्सर कहते हैं कि मनुष्य ने जो कानून बनाया है, दरअसल आज सारी दुनिया में जो कानून और जो व्यवस्था है ये परमेश्वर के वचन के निर्गमन, लेविया और व्यवस्था विवरण से आया है। इसके बारे में जो लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं, कानून और व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उन लोगों ने इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि किस तरह से बाइबल से पाश्चात्य राज्यों में कानून और न्याय व्यवस्था बनी और किस तरह से पाश्चात्य राज्यों की देखा देखी अन्य राज्यों ने कानून और न्याय व्यवस्था बनाई। विशेषकर हिंदुस्तान में हमारे महान नायक भीमराव अंबेडकर जो हुए थे, वे तो दुनिया के हर प्रकार के कानून में पारंगत थे और उन्होंने पश्चिमी राज्यों के कानून के आधार पर हिंदुस्तान में जो नियम और कानून बनाए वो एक्चुअली ओरिजिनली बाइबल से आया है। ये बात हमको समझनी चाहिए। और बाइबल स्पष्टतया ये बात कहती है कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा। इस कारण न्याय और कानून में जब मृत्यु दंड हटा दिया जाता है तो वो उस देश को बर्बाद कर देता है। आप शायद ये टोकेंगे कि लेकिन कई निर्दोष लोगों को मृत्यु दंड मिल जाता है। सही है, निर्दोष लोगों को इसलिए मृत्यु दंड मिलता है क्योंकि मनुष्य अपनी जिम्मेदारी, न्याय और कानून की जिम्मेदारी पालन करने में कई बार चूक जाता है। इसलिए निर्दोष को बचाने का सही तरीका प्रभु के वचन में जो कहा गया है उस कानून को हटाना नहीं है, बल्कि उस कानून के पालन के लिए एक सही व्यवस्था बनाना है। इसको मन में रखकर अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी पद में हम आगे पढ़ते हैं, उसका लहू मनुष्य से बहाया जाएगा क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। यह है आधारभूत प्रिंसिपल, यह है नींव। हत्या मत करना प्रभु के वचन में जो आज्ञा दी गई है, उस आज्ञा का फाउंडेशन, उस आज्ञा की नींव या उस आज्ञा का मूल कारण यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य की सृष्टि अपने स्वरूप में की। और इस कारण चूंकि परमेश्वर का स्वरूप मनुष्य में है, इसलिए उस स्वरूप को किसी भी तरह से बिगाड़ने की कोशिश हम ना करें। और बिगाड़ने की कोशिश में सबसे बड़ी कोशिश है उस व्यक्ति की हत्या। हम सब इस बात को जानते हैं। हिंदुस्तान के शहरों में कई बार लोग जाकर महान लोगों की मूर्तियां खंडित कर देते हैं और हम जानते हैं कि जब इस तरह से कोई मूर्ति खंडित की जाती है तो कैसी हाय तौबा मचती है। और जब हाय तौबा मचती है तो पुलिस जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की कोशिश करती है। क्यों अरेस्ट करने की कोशिश करती है? अरे जिस चीज को खंडित किया वो सीमेंट और बजरी के अलावा कुछ नहीं था, और कुछ स्टील के तार होंगे। फिर ऐसी हाय तौबा क्यों? इसलिए कि जब भी कोई मूर्ति बनाई जाती है और शहर में स्थापित की जाती है तो वो मूर्ति किसी ना किसी व्यक्ति के स्वरूप में बनाई जाती है। कभी कभी इधर उधर उल्टे सीधे मॉडर्न आर्ट हमको जरूर दिख जाते हैं,
जिसकी कोई रूपरेखा नहीं होती है, उसको देख के किसी को लगता है कि आदमी है, किसी को लगता है कि औरत है, किसी को लगता है कि हाथी है, किसी को लगता है कि बंदर है, किसी को लगता है कि ये और कुछ है। मैं मॉडर्न आर्ट की बात नहीं कर रहा, मॉडर्न आर्ट अपने आप में प्रभु के वचन के विरुद्ध है, लेकिन वो विषय अलग है, उसको मैं नहीं ले रहा। मैं उन मूर्तियों की बात कर रहा हूं जिसको हम लोग अपने शहरों में, अस्पतालों में, दफ्तरों में देखते हैं। पुराने जमाने की जो बची हुई मूर्तियां हैं राजे महाराजाओं की, उसके अलावा महात्मा गांधी की मूर्ति तो सारे हिंदुस्तान में दिखती है, नेहरू जी की मूर्तियां भी दिखती हैं, और उसके बाद जो शासक लोग आए थे उनमें से कई शासकों की मूर्तियां दिखती हैं। भारत का जो वाकई में लौह पुरुष था सरदार पटेल, उनकी तो अति विशाल प्रतिमा बनाई गई है। इन सब की विशेषता यह है कि ये होंगे लोहे, कांसे, सीमेंट, स्टील या बजरी के, लेकिन ये किसी व्यक्ति की आकृति को दिखाती है, उसके रूप में बनाए गए हैं, इसलिए इनको खंडित करना एक बहुत बड़ा सार्वजनिक अपराध है, समाज के विरुद्ध अपराध है, कानून के विरुद्ध अपराध है। अब जरा सोचकर देखें कि यदि एक मनुष्य की मूर्ति बनाई जाती है और कहीं स्थापित की जाती है और उसको यदि कोई व्यक्ति खंडित करता है, अरे खंडित करने की छोड़िए, कई बार डंबर पोत देते हैं और जो डंबर जिसने पोता है वो लोगों के हाथ चढ़ जाए तो पहले तो वो लोग मिलके उसकी जम के पूजा करेंगे, उसके बाद पुलिस के हाथ में देंगे और पुलिस भी जो है जरूरत पड़ी तो उसकी पूजा करेंगे, उसके बाद उसको कानून के हवाले करेंगे। जस्ट एक मूर्ति पर डंबर डालने से कारण क्या है? जब कोई चीज किसी के स्वरूप में बनाई जाती है, खासकर मनुष्य के स्वरूप में बनाई जाती है, तो उसकी उसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है। उसका मूल्य उस सीमेंट का या पत्थर का मूल्य नहीं होता है, उसका मूल्य उस कलाकार को जो पैसा दिया है उससे नहीं आंका जाता है, उसका मूल्य इस बात से आंका जाता है कि किसके स्वरूप में बनाया गया। ये मैं कोई आधुनिक बात नहीं बता रहा। जब प्रभु यीशु को धोखा देने के लिए लोगों ने पूछा कि हे गुरु, कैसर को कर देना उचित है या गलत है, ये सरासर धोखा था। यदि प्रभु कहते कि कैसर को देना उचित है तो यहूदी प्रभु से नाराज हो जाते, और यदि प्रभु कहते कि कैसर को नहीं देना है तो रोमी लोग नाराज हो जाते। तब प्रभु ने एक प्रश्न पूछा था, इस पर किसका स्वरूप है। वे लोग जवाब नहीं दे पाए, मतलब कोई भी उल्टा सीधा जवाब नहीं दे पाए, उनको बोलना पड़ा कि कैसर का स्वरूप है। और जैसे ही उन्होंने कहा कि कैसर का स्वरूप है, प्रभु ने जवाब दिया कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो इस बात को हम कभी ना भूलें कि किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का स्वरूप आ जाता है तो उस वस्तु का मूल्य, समाज में उस वस्तु का ओहदा, समाज में उस वस्तु के प्रति सुरक्षा की भावना, कानून के द्वारा उस वस्तु के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। हम लापरवाही से उस वस्तु को हैंडल नहीं कर सकते, उस पर थूक नहीं सकते हैं, उसका अपमान नहीं कर सकते। तो यदि मनुष्य के स्वरूप की यह स्थिति है, मतलब मनुष्य का स्वरूप जो मनुष्य बनाता है उसकी स्थिति यह है, उसकी हैसियत इतनी बड़ी है, तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तो हर मनुष्य में परमेश्वर का स्वरूप है, उसकी हैसियत कितनी होगी, कभी सोचा है क्या? अपने पड़ोसी से जब कल आप चार कड़वे शब्द बोल रहे थे, तब आपने इस बात को सोचा क्या कि पड़ोसी ने जो गलत किया वो तो गलत है,
लेकिन मैं उससे चार कड़वे शब्द बोल रहा हूं। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और इस कारण कड़वे शब्दों के द्वारा अपने अपनी समस्या का समाधान करने के बदले मुझे उससे आदर के साथ बोलना चाहिए था। इस बात को याद रखें कि कड़वा शब्द सामने वाले की हत्या है। एक बात बताइए, मान के चलिए कि आपका पड़ोसी या पड़ोसी की पत्नी अपने घर का सारा कचरा आपके घर के सामने डाल देती है। आप कई तरीके से उसका हल निकाल सकते हैं। नंबर 1, जब आपका कचरा वहां पड़ा है तो उसके साथ थोड़ा सा ये कचरा भी हो गया, इस तरह से सोच सकते हैं। कचरा तो कचरा है, यदि 10 किलो कचरा है उसके साथ उसने 5 किलो और डाल दिया, तो आपका कचरा कोई सोने का थोड़ी बना हुआ है कि उसके ऊपर उन्होंने कचरा डाल दिया तो आपका बड़ा अपमान हो गया, नुकसान हो गया। तो सोचने के कई तरीके हैं। पहला ये हो सकता है कि अरे अपन ने भी डाल दिया, उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, कल को जब सफाई कर्मचारी आएगा तब वो उठा के ले जाएगा। ये सोचने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पत्नी लाके कचरा डाल जाती है तो पति से प्राइवेटली कहा जाए कि अरे भाई साहब, वो बहन जी या भाभी वो या चाची या ताई जो है वो आपके घर का कचरा भी यहाँ डाल जाती है, इस कारण हमारे घर के सामने काफी कुछ कचरे का ढेर हो जाता है, यदि आप मना कर दें तो अच्छा होगा। जब आप इस तरह से मीठे शब्दों में बोलेंगे तब आपके पड़ोस में यदि जो भाई साहब है वो यदि सज्जन हो तो वो अपनी बीबी को बोल देंगे कि आइंदा अपना कचरा वहां ना डाल देना। उसी तरह से आदमी यदि लापरवाह है तो उसकी वाइफ से कि भाभी बहन जी या दीदी भाई साहब इस तरह कर जाते हैं, आप जरा उनको टोक दें तो वो नहीं करेंगे, तो हो सकता है हल निकल आए। तीसरा हल ये हो सकता है कि बस जैसे ही कचरा डाला वहां पर हमने जो है गाली गलौज शुरू कर दिया। विश्वासी लोग गाली गलौज करते हैं क्या? जी हाँ, विश्वासी लोग भी करते हैं। कई विश्वासी लोग जरूरत पड़ने पे गाली गलौज करते हैं, मैंने सुना है। और गाली गलौज ना करें तो भी कड़वा शब्द तो बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका जो पड़ोसी है जिसको आज आपने जम के गाली गलौज जिसके साथ किया है, जिससे कड़वे शब्द बोले हैं, कल क्रिसमस के समय जब मंडली ये निर्णय लेती है कि अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाया जाए, तब प्रभु का जो गॉस्पल है उसको लेके आप किस मुंह से उस परिवार में प्रवेश करेंगे? जब आप उस घर में जाएंगे और आप कहें आज तो प्रभु यीशु का जन्मदिन है, मैं आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूं, उसका जवाब क्या होगा? ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि पिछले कई सालों से हम लोग हफ्ते में 2-3 दिन प्रभु यीशु का शुभ संदेश लेके घर घर जाते हैं, यहाँ इस शहर में और उसके अलावा शहर से 30 किलोमीटर दूर एक जगह पे। 8-9 भाई हैं जो इस काम को करते हैं, मैं भी सक्रिय रूप से करता हूँ। स्वास्थ्य की समस्या के कारण मैं सिर्फ हफ्ते में 1 दिन जाता हूँ, कई भाई लोग हफ्ते में 2 दिन जाते हैं, कुछ भाई हैं जो 3 दिन जाते हैं। जब भी हम इस तरह से गॉस्पेल लेके घरों में जाते हैं तब लोग अपना मन खोल कर हमको बताते हैं। 2 साल पहले जब मैं एक जगह ले गया गॉस्पेल लेके, मैं और अपने भाई के साथ गया, एक घर में जब हमने एक पैकेट बढ़ाया, उन्होंने पूछा ये क्या है, हमने कहा कि प्रभु यीशु का जीवन चरित्र है। पुस्तक का नाम देखा, एक प्रेम की कहानी। ये पुस्तक हिंदी में, मलयालम में और अंग्रेजी में अवेलेबल है,
आप लोग भी चाहें तो मंगा कर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा एक प्रेम की कहानी, तुम प्रेम के बारे में बताने आए? मैंने कहा कि हाँ, प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में। उन्होंने कहा देखो, मैं ईसाई नहीं हूं, मेरे घर के बगल में ये जो घर है अति विशाल अट्टालिका थी, मुझे लगा कि ग्वालियर का महल देख लिया हो, मतलब करोड़पति पार्टी थी। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारी कौम के लोग हैं, तुम एक काम करो, प्रेम का संदेश पहले उनको सुनाओ, उसके बाद आके हमको सुनाने की कोशिश करना। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सरेआम नंगा कर दिया हो। यदि हम अपने पड़ोसी से जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, उस व्यक्ति से अपने हृदय के घिनौना जो मनोभाव है उसके आधार पर बात करेंगे, तो हम उसकी हत्या कर रहे हैं। इस परिवार के पीछे जो गैर मसीही भाई रहता था या उसका परिवार था, उस परिवार को हमेशा 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 के लिए इस मसीही परिवार ने प्रभु यीशु से दूर कर दिया। उसको शाश्वत जीवन की ओर ले जाने के बदले शाश्वत नरक की ओर धक्का देके भेज दिया। कौन जिम्मेदार है उसकी शाश्वत मृत्यु के लिए? पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन है। इस शाश्वत जीवन से उस व्यक्ति को वंचित रखकर शाश्वत नरक में भेजने के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात को ना भूलें। हाँ, बहुत सज्जन आदमी थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उस भाई को जानता नहीं हूं, उसके व्यवहार के लिए माफी मांगता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं और मेरे साथी उस तरह के लोग नहीं हैं। उन सज्जन को अच्छा लगा, पूछा उन्होंने आप कौन हैं। तो जब भी मैं अपना परिचय देता हूं तो पहले बताता हूं कि मैं किसी जमाने में फिजिक्स में प्रोफेसर था, उस नौकरी को छोड़कर आजकल प्रभु यीशु की सेवा करता हूं। तो जब मैंने इस सज्जन, जानबूझकर ये इसलिए बोलता हूं कि उनको ये ना लगे कि कोई बेकार था जो ये किताबें बांट रहा है, तो उनको लगना चाहिए कि नहीं, ये ऐसा व्यक्ति था जो नौकरीशुदा था, इज्जतदार नौकरीशुदा था, उसके बाद प्रभु यीशु की सेवा के लिए निकला है। और बिल्कुल असर हो, उन्होंने कहा कि आइए बैठिए, आप क्या कहना चाहते हैं। फिर हमने उस व्यक्ति को अच्छी तरह से प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाया। ये प्रभु की दया है कि उस आदमी का मन शुभ संदेश सुनने के लिए प्रभु ने प्रेरित किया, वरना अक्सर लोगों के मन में जो कड़वाहट होती है वो इतनी गहरी होती है, खासकर प्रभु यीशु के बच्चे जो प्रभु यीशु के प्रेम का संदेश दिन रात डंके की चोट पे सुनाते हैं, वे लोग जब कड़वा व्यवहार करते हैं तो उस कड़वे व्यवहार के द्वारा वे लोग उस व्यक्ति की आत्मिक हत्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को नरक में भेज रहे हैं जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चार प्रश्न इस विषय को और थोड़ा सा समझने के लिए दो चार प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान के चलिए कि आप फल खरीदने गए, फल वाले ने जानबूझकर अच्छे फलों के साथ जानबूझकर एक सड़ा हुआ फल भी रख दिया। तो सड़ा फल यदि रख दिया तो वहां खड़े होकर चिल्लाने से, उसको गाली देने से क्या होगा? एक आम की क्या कीमत है? एक मनुष्य के जीवन के कीमत की तुलना में एक आम की कीमत क्या है? आप ये भी तो कह सकते हैं कि अरे भैया, गलती से ये सड़ा हुआ फल आ गया। उसको भी लगेगा कि अरे बाप रे, भाई साहब को ये समझ में नहीं आया कि मैंने जानबूझ कर रखा है और इसलिए पकड़े जाने से बच गए। ऐसा भी तो बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोलते हम? इसलिए कि हमारा पाप स्वभाव हमारे सर पर
चढ़कर बोलता है। लेकिन याद रखें, कल ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फल वाला जो है उसको सुसमाचार सुनाना पड़े, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, हम इस तरह हाउस टू हाउस गए हाउस टू हाउस गए, फाइनली हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे, यही मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूर है एक इलाके में पहुंचे, घर में प्रवेश किया तो वाकई में मेरा फल बेचने वाला बैठा हुआ था। कितना उसने हमारा स्वागत किया, सोफे पे बिठाया, चाय पिलाई, और जब हमने कहा कि जाना है तो उसने कहा कि जाना है बिल्कुल सही है, लेकिन आप मेरे घर आए, मैं पूरा आदर सत्कार करूं, उसके पहले आप नहीं जा सकते। उसने हमारे पैरों में शब्दों से जंजीर डाल दिया, और बाकायदा हम फिर खान पान के बाद ही वहां से उठे और पूरी तरह से उसको शुभ संदेश भी सुनाकर ही उठे। इस बात को ना भूलें, कल जिस मोची को आप गाली दे रहे हैं, जिस फल वाले को आप गाली दे रहे हैं, अपने पड़ोसी को गाली दे रहे हैं, या मतलब गाली से मेरा मतलब है अनावश्यक शब्द बोल रहे हैं, किराने वाले को अनावश्यक शब्द बोल रहे हैं, कि अपने पड़ोसी को अनावश्यक शब्द बोल रहे हैं, ट्रेन में कोई आपकी सीट घेर के बैठ गया उसको अनावश्यक शब्द बोल रहे हैं, याद रखें इन सब का असर हमारी गवाही पर होता है। आप पूछेंगे कि ब्रदर आप इन मामलों में परफेक्ट हैं कि जीने में, बिल्कुल परफेक्ट नहीं, लेकिन हाँ इन बातों को सीख रहा हूं, हर दिन सीख रहा हूं कि मेरा व्यवहार दिन प्रतिदिन जो प्रभु चाहते हैं उस तरह का व्यवहार कर सकूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूं कि आज मैं जिस समाज में रहता हूं, वहां मैं जहां भी जाता हूं, मसीही और गैर मसीही लोग मेरी इज्जत करते हैं, निश्चित रूप से इतना तो मैं कह सकता हूं, परफेक्ट नहीं हूं। कुछ ही टाइम पहले जब हम लोग गॉस्पेल लेके बाहर निकले तो वहां एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा वाला है, वो देख के आके सबके सामने मुझसे गले मिला, मेरे साथी लोग हैरान हो गए। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं, जब यहां हम प्रभु का संदेश लेके गए तो बहुत सारे घरों में तो उन्होंने बिना स्वागत सत्कार के बाहर जाने को मना कर दिया। तो कोशिश कर रहा हूं, दावा नहीं करता, मैं परफेक्ट नहीं हूं, कई बार क्रोध आ जाता है, हो सकता है कई बार कड़वे शब्द बोल जाता हूं, किसी जमाने में बहुत बोलता था, अब कम हो गया है, उम्र के हिसाब से और मैच्योर हो गया हूं, प्रभु के वचन की समझ आ गई है, इस बात का हिसाब लगा हूं कि भैया उसने यदि धोखा दिया कितने रुपए का धोखा दिया है, यदि 5 आम खरीदे हैं उसमें से एक ही तो उसने खराब रखा है, वैसे भी घर ले जाते हैं कितने ही आम सड़ जाते हैं, उसके लिए हम किसको गाली देंगे। इस तरह से सोचना शुरू किया, तब से काफी फर्क पड़ा है। और ये बात मैं याद दिला दूं, हम में से हर व्यक्ति को बहुत गंभीर तरीके से ये बात सोचनी चाहिए, इसलिए मैंने इतना समय इसको दिया कि क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है, इस मामले में हम सब दोषी हैं, सब दोषी हैं, अपने आप को जांचें। आगे ये उत्पत्ति में हमने देखा, आगे जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में हत्या के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसमें से एक पोर्शन हमको मत्ती के 5वें अध्याय में मिलता है। मत्ती के 5वें अध्याय के 17वें पद में पृष्ठभूमि शुरू होती है। ये काफी बड़ा एक पोर्शन है और पृष्ठभूमि को क्लियरली समझे तभी वो भाग जो आखिर में मैं पढ़ूंगा तभी वो भाग स्पष्टतया हम समझ सकेंगे। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसलिए यह है महत्वपूर्ण पद, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से
किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए तो वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। तो यदि प्रभु के वचन में जो छोटी से छोटी आज्ञा है यदि हम उसको तोड़ देते हैं और वैसा दूसरों को सिखाएं तो हम स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएंगे, सबसे निकृष्ट स्थान हमको मिलेगा। आप पूछेंगे स्वर्ग के राज्य में छोटा और बड़ा होगा क्या? नहीं, मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु ने कहा है। और यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो सीधे प्रभु से बोलिए कि प्रभु आप गलत बोल रहे हैं, आपके और प्रभु के बीच में है। मैं सिर्फ प्रभु के वचन को आपके सामने पढ़कर रख रहा हूं कि यदि छोटी से छोटी आज्ञा में से एक को तोड़ेंगे और वैसे सिखाएंगे तो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। यदि कोई आत्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति प्रभु के वचन में जो छोटी आज्ञाएं हैं उसको तोड़े तो दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं है, दूसरे लोग देख के अपने आप सीख जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अन्य लोग जो करते हैं उसकी देखा देखी कई आदतें सीख ली थी, बाद में मुझे पता चला कि आदतें गलत है, बिल्कुल गलत है। और जब पता चला कि आदतें गलत हैं तो उनको छोड़ दिया। तो यदि हम छोटी से छोटी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उस उल्लंघन के द्वारा दूसरों के सामने हम एक उल्लंघन का नमूना रख रहे हैं, खासकर अपने बच्चों के सामने एक नमूना रख रहे हैं और इस तरह से उन लोगों को हम सिखा रहे हैं। तो खून न करना तो बड़ी से बड़ी आज्ञा है, छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ना प्रभु के वचन में मना किया गया है। और ये भी प्रभु का वचन कहता है कि छोटी से छोटी आज्ञा का उल्लंघन करने का रिजल्ट ना केवल इस दुनिया में होगा बल्कि आने वाली दुनिया में ही होगा। यदि आपको इस बात से कोई ऐतराज है कि आने वाली दुनिया में इस तरह से छोटा बड़ा होगा, तो जैसा मैंने कहा कि ये प्रभु का वचन है, प्रभु यीशु ने कहा, आप प्रभु के साथ जाके वाद विवाद करें, मैं इसके बारे में प्रभु का वचन है वो आपके सामने रखने के अलावा मेरी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इस पद को मैंने आपके सामने क्यों रखा, और ये भी खत्म नहीं हुआ, इसमें और भी आगे काफी कुछ है। इसे मैंने क्यों पढ़ा, इसलिए कि हम लोग जाने अनजाने प्रभु के वचन की छोटी और बड़ी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। मान के चलिए अपनी गलती छुपाने के लिए एक झूठ बोला, प्रभु के वचन का उल्लंघन है। मान लीजिए सुपरमार्केट में गए, वहां एक बहुत अच्छा कीरिंग नजर आया, उसको जेब में डाल दिया। इसे हिंदी में उठाई गिरी कहते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मेरे कई साथी लोग उठाई गिरी में बहुत एक्सपर्ट्स थे। अक्सर मुझसे कहते थे कि अरे तू मूर्ख है, मूर्ख ही रहेगा, वो करोड़पति है, उसको एक कीरिंग या एक शोपीस यदि दुकान में जो है वो यदि चला भी जाए तो उसका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा होता तो आज वो दुकान थोड़ी चलाता। हम इस बात को याद रखें कि यदि हम इस तरह का काम करेंगे तो तू चोरी ना करना आज्ञा का उल्लंघन भी कर रहे हैं और ये उल्लंघन हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। बच्चा यदि किसी दूसरे की पेंसिल लेके घर आता है तो कई बार माँ बाप उसको टोका टाकी नहीं करते, चोरी सिखा रहे हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें तो प्रभु के वचन में तू हत्या ना करना जो कहा गया है उसका रिजल्ट सब जगह हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। आपने वो कहानी सुनी है क्या? यदि नहीं सुनी तो मैं आज सुनाना चाहता हूं। कहानी है, वास्तविकता के ऊपर आधारित कहानी है। कहानी ये थी कि समाज का सबसे अच्छा माने जाने वाला एक युवा
फाइनली हत्या में पकड़ा गया, जेल गया, जज के सामने पेशी हुई, सारे जांच पड़ताल में ये पाया गया कि उसने वाकई में हत्या की है, मृत्यु दंड की सजा दी गई। जिसको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है उससे अक्सर आखिरी इच्छा पूरी पूछी जाती है कई जेलों में, और आखिरी इच्छा यदि पूरी की जाने वाली इच्छा हो तो पूरी कर देते हैं। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि मैं एकदम गर्मा गर्म कचौड़ी समोसे खाना चाहता हूं, तो हो सकता है तो जेलर उसको खिला देता है। इस युवा से पूछा गया फांसी पर चढ़ाने से पहले, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा, मैं मां से मिलना चाहता हूं। मां आई, आलिंगन किया, चुंबन किया, उसने मां का कान काट कर अलग कर दिया। मां जब दर्द से चिल्लाई तब उसने कहा कि जब मैं स्कूल से पहली बार एक पेंसिल और एक रबर चोरी करके लाया था, तब यदि तुमने मुझे रोका होता तो मैं चोरी न करता, और यदि मैं चोरी ना सीखता तो उठाईगिरी ना करता, और यदि मैं उठाईगिरी ना करता तो पॉकेट मार नहीं बनता, और यदि पॉकेट मार नहीं होता तो चोर नहीं बनता, और यदि चोर नहीं बनता तो जिस चोरी के लिए मैं घर में घुसा था उस घर का मालिक जब जाग गया तो उसकी हत्या ना करता। इसलिए मैंने तुम्हारे कान को काटकर अलग कर दिया है, क्योंकि आज मैं यदि मृत्यु दंड पा रहा हूं तो वो इसलिए पा रहा हूं कि एक पेंसिल जब मैं चोरी करके लाया तब तुमने मुझे टोका टाकी करने के बदले मुझे प्रोत्साहित किया कि शाना बच्चा है, और इस तरह से रोज पेंसिल और रबर वगैरह लाया करेगा तो अपना खर्चा बच जाएगा। आज जो माँ बाप प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, मैं फिर से उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जाके किसी व्यक्ति की हत्या सीधे सीधे करना सिर्फ वही खून नहीं है जिस माँ ने अपने बच्चे को गलत शिक्षा दी थी, जिस गलत शिक्षा के कारण क्रमशः वो हत्यारा बन गया। उस मां ने क्या किया? उस मां ने भी हत्या की, अपने बेटे की हत्या की। क्यों? उसके अंदर जो कॉन्शियंस, जो विवेक था, उस विवेक की मां ने सबसे पहले उस विवेक की हत्या की। वो विवेक हमको ये बताता रहता है कि क्या सही है या क्या गलत है। उस मां ने अपने उस नन्हे शिशु के मन में जो विवेक है उसकी जब हत्या की तो वो भी खून था। परमेश्वर के स्वरूप में जो बालक सिर्जा गया है उसके बारे में हर माँ की ये जिम्मेदारी है कि उस बालक के मन में परमेश्वर का भय बैठाया जाए, ना कि परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि होने के कारण परमेश्वर ने उसको जो विवेक दिया है उसे नाश करना नहीं है माँ की जिम्मेदारी। माँ बाप से फिर से मैं पूछना चाहता हूं, जब आपका बच्चा स्कूल जाता है आप क्या सिखाते हैं? मेरा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता था बहुत कठिन स्थिति थी, बच्चे जम के एक दूसरे की पिटाई करते थे। मैंने बच्चे को ये बताया था कभी भी वापस नहीं पीटना है, लेकिन जब कोई पिटाई करने के लिए आता है तो अपनी सुरक्षा कैसे करनी है ये मैंने उसको सिखा दिया था। हाथों से पैरों से अपने आप को बचाए रखो, जरूरी हुआ तो दौड़ के टीचर के पास जाके खड़े हो जाओ, लेकिन वापस पलट कर वार मैंने नहीं सिखाया। इसलिए कि जब वो पहली में है दूसरी में है तब मैं उसको पलट कर वार करना सिखाऊंगा, तो
आज वो इतना सीखेगा, कल इतना सीखेगा, परसों इतना सीखेगा, उसका परिणाम क्या है यह मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। तो आज जो माँ बाप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, मुंह जवानी क्या सिखा रहे हैं, आपके जीवन में जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, उसके द्वारा क्या सिखा रहे हैं, आप जो करते हैं उसके द्वारा क्या सिखा रहे हैं। दफ्तर में यदि आप स्टोर कीपर हैं, तो रोज स्टोर से थोड़ा 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 माल खींच के यदि घर लाते हैं, आपका बच्चा क्या सीखेगा? आपका बच्चा यही तो सीखेगा कि चोरी करना तो बड़ी स्मार्ट बात है। आप उस बच्चे की हत्या कर रहे हैं, क्यों? इसलिए कि उसके विवेक की हत्या उस व्यक्ति की हत्या है। मनुष्य यदि परमेश्वर के भय में यदि मनुष्य को जीना है, तो उसके लिए जरूरी है कि उसका विवेक गलती के विरुद्ध संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, और उसके विवेक की हत्या करने के द्वारा आप उसके विवेक को खत्म कर रहे हैं, कल को कोई भी कार्य करने में उसे दिक्कत नहीं होगी। तब बैठकर रोने से कोई फायदा नहीं। आज मेरा जनरली सारा का सारा फोकस इस सभा में जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ है। तो हत्या न करना खत्म नहीं हुआ है, प्रभु ने मदद की। तो अभी इससे संबंधित कुछ और बातें हम अगले हफ्ते देखेंगे। आप पूछेंगे कि ब्रदर तीन तीन हफ्ते? जी हाँ, इस विषय की व्याप्ति, इसका विस्तार इतना ज्यादा है और हमारे जीवन के हर पहलू से इसका संबंध इतना ज्यादा है कि हम में से हर व्यक्ति को इसके वो सारे पहलू समझ लेने चाहिए जो हमारे जीवन को और हमारे कर्मों को प्रभावित करती है, जो इवन हमारी वाणी को प्रभावित करती है। आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूं, और प्रभु से मेरी याचना है कि हम कैसे जितने लोग आज प्रभु के वचन को सुन रहे थे, वे सब लोग इस बात को समझें कि जाने अनजाने तो हत्या ना करना, इस आज्ञा का उल्लंघन प्रतिदिन कई बार मनसा वाच्या कर्मणा हमसे हो जाता है, अनजाने भी हो जाता है। लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु के वचन को पढ़ें, उसमें से जो प्रकाश मिलता है उसे नोट करें, जिससे कि हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियंस और अधिक डेवलप हो, जिससे कि हम हर चीज का मूल्यांकन करने लगें और मूल्यांकन करने में समर्थ हो जाएं, जिससे कि हम भले और बुरे के बीच में जो अंतर है उसको समझ सकें और बुरे को दूर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में जो बुरा है उसके द्वारा हम अपने बच्चे की, हम अपने भाई बहनों की, मंडली में जो अन्य भाई बहन है उनकी, या पड़ोसियों की हत्या कर रहे हैं। इन बातों को समझने के लिए और हमारे जीवनों में व्यवहार में लाने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।